नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 अप्रैल 2022 की। बड़ी अपडेट पे सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2022 को देखने वाले हैं। DLED 2019 और 2021 बैच की लेटेस्ट अपडेट को भी देखेंगे। अगर अभी तक दोस्तों आपने DLED स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं देखा है तो इसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ से आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप आ रही है नहीं आ रही है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो दोस्तों अगर आप उसको सही करा सकते हैं तो कॉलेज से आप संपर्क कर सकते हैं। एक और बड़ी खुशखबरी आप देख सकते हैं, योगी सरकार 100 दिनों में उत्तर प्रदेश के 9,74,000 युवाओं को देगी टैबलेट और स्मार्टफोन। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। यूपी SSSC 100 दिन में विभिन्न विभागों में 21,570 पदों पर भर्ती के लिए कराएगा परीक्षा। ये भी दोस्तों बड़ी खबर है, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको बता दें यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो कल आएगा और आज जारी होगी संशोधित उत्तरमाला। मतलब दोस्तों आज हमारी फाइनल आंसर की आने वाली है। ठीक है, ये भी बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए। बाकी मात्र 2 सेकंड में आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फेल छात्रों के लिए जो बड़ी खबर है, पूरी खबर को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए 9,74,000 युवाओं को 100 दिनों के अंदर टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में छात्र व छात्राओं को चिन्हित किया जा रहा है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा तैयार किए गए एजेंडे में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसकी मदद से प्रदेश के समस्त विभागों एवं नागरिकों के डाटा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्त ये बड़ी खबर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। और भैया तकरीबन 10 लाख बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन जो भी है बटेगा, तो हो सकता है कि इसमें आपका नाम भी शामिल हो सकता है। बाकी जो भी अपडेट आएगी नई शिक्षक भर्ती की, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे यूपी टेट रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक। जी हाँ दोस्त, इसके लिए भी हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ से आप लोग अपना यूपी टेट का रिजल्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। DLED स्कूटनी रिजल्ट जारी। तो देखिए दोस्तों, DLED छात्रों को अपना स्कूटनी रिजल्ट देखना है, स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है, यूपी टेट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ परीक्षा डेट शीट, तो हर एक सेमेस्टर की जो डेट शीट का लिंक है उसको कमेंट बॉक्स में इसलिए हमने दे दिया है ताकि आप लोग अपने डेट शीट आसानी से डाउनलोड कर सके, कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो भी अलग से अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस अपडेट को भी आप देख सकते हैं कि UP SSSC 100 दिन में विभिन्न विभागों में 21,570 पदों पर भर्ती के लिए कराएगा परीक्षा। ये भी दोस्तों बड़ी खबर है हमारी जो कि लखनऊ से आ रही है, इस अपडेट को देखेंगे। फिलहाल देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया था PNP की तरफ से यूपी टेट रिजल्ट और फाइनल आंसर की को लेकर। उसके बाद दोस्तों आप परीक्षा का कार्यक्रम देख सकते हैं द्वितीय सेमेस्टर का, और ये परीक्षा का कार्यक्रम है हमारा तृतीय सेमेस्टर का। उसके बाद ये चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम है, और इसके बाद ये प्रथम सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम है। ठीक है, ये डेट शीट मतलब हमारी, तो इसी हिसाब से दोस्तों आप लोग का पेपर कराया जाएगा, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, 9 मई को कौन सा पेपर होगा हमारा, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। फिर 10 मई को पेपर होगा, अंतिम में 11 मई को। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, ठीक है 4 तारीख को पेपर होगा, 5 तारीख को होगा और 6 मई को होगा। तो ये सारी तारीखें आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आप बाद में आप दिक्कत में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं तृतीय सेमेस्टर पेपर, 28 अप्रैल को पेपर होगा, 30 तारीख को होगा और उसके बाद 2 तारीख को पेपर कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आप देख सकते हैं द्वितीय सेमेस्टर पेपर, द्वितीय में 25 तारीख को पेपर होगा, फिर 26 तारीख को होगा और लास्ट में 27 तारीख को पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट शीट हो गई दोस्तों परीक्षा की, और इसी हिसाब से आपका पेपर कराया जाएगा। तो पहले इस अपडेट को जरा देख लेते, जो वैकेंसी आ सकती है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC अगले 100 दिनों में विभिन्न विभागों के कुल 13,685 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करेगा। आयोग 21,570 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस अवधि में आयोग की ओर से 13,041 पदों के रिजल्ट घोषित भी किए जाएंगे। वर्ष 2022 और 23 के दौरान विभिन्न विभागों में सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के आधार पर की जाने वाली भर्तियों के लिए संबंधित विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 30 अप्रैल तक अधियाचन भेज देंगे। कार्मिक विभाग इसकी व्यवस्था बना रहा है। जो भी दोस्तों देखिए अलग से अपडेट आएगी, अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कोई भी खबर आपसे देखिए छूटे कि नहीं, यूपी टेट का कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना है, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। इसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक इसीलिए दिया है ताकि आप लोग अपना रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर सकें।
तो चलिए वीडियो के अंत में कुछ और बड़ी बातें कर लें, ठीक है। यूपी टेट रिजल्ट आंतर की बात आप समझ गए होंगे। फिलहाल देखिए यूपी टेट का जो रिजल्ट है कैसा आएगा, प्यारा से यही ऐसा आएगा, प्यारा सा आपका इसको डाउनलोड करें तो कुछ आपका रिजल्ट ऐसा ही शो करेगा, ठीक है। क्वालिफाइड है नॉट क्वालिफाइड है यहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा। बाकी कोरोना की बात करें तो 24 घंटे में हमारे देश में 926 कोरोना के नए मामले सामने आए और 42 लोगों की जान भी गई, ठीक है। तो ये कोरोना की अपडेट इसलिए हम आपके सामने रखते हैं ताकि जो सीटेट का पेपर है अभी जुलाई वाला वो समय से हो पाएगा या नहीं, ठीक है। अभी आप में से काफ़ी बच्चे सीटेट जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको सीटेट जुलाई में मौका मिले और एक अच्छा स्कोर कर सकें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन चलिए ठीक है, उससे पहले आपको अपना डीएलएड का देखना है, बीटीसी में आपके कितने नंबर आते हैं, कितने परसेंटेज आते हैं। देखिए आपकी बैक ना लगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। और गाइस अगर आप बैक लगने से आपको बचना कैसे, देखिए सिंपल सी बात है, बैक उन्हीं बच्चों की लगती है जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कठिन पेपर होगा आप लोगों के लिए, जो फर्स्ट टाइम अभी आप पेपर देंगे मतलब इस बार, वो पेपर होगा 26 अप्रैल को गणित का और 27 तारीख को इंग्लिश का। देखिए काफ़ी बच्चों की बैक अभी इन विषयों में है और सभी बच्चों का अब तीसरा मौका होगा 2019 बैच में। अगर हम बात करें तो 2019 बैच के छात्र इस बार तीसरी बार पेपर देने जा रहे होंगे। तो गाइस टेंशन आप में काफ़ी ज़्यादा होगी कि अगर इस बार फेल हुए तो भैया सब मामला ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप लोग पहले से 2 बार फेल हो चुके हैं, ये तीसरा मौका आपके लिए है और ये अंतिम मौका। बाकी प्रत्यावेदन वाला मौका रहता है वो आगे मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बार अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। बाकी दोस्तों जो भी हमारी अपडेट आएगी, अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो ये दोस्तों जो तारीख है 26 अप्रैल की, जो पेपर होगा 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, इसके लिए आपको दोस्तों लगना पड़ेगा, छोटी सी लापरवाही होगी तो फिर दिक्कत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी तृतीय सेमेस्टर की जो डेढ़ सीट है ये आपके सामने है। तो बहुत से बच्चों को अभी कन्फ्यूजन है कि डेढ़ सीट क्या है, कैसे है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा भैया पेपर कब से, नहीं तो वो आपके साथ ही कुछ अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं और समय निकल जाएगा, कन्फ्यूजन आपका बरकरार रहेगा, ठीक है। तो लगे रहिए गाइस, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से देखे छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं परीक्षा की डेट सीट तृतीय सेमेस्टर की है, ये द्वितीय सेमेस्टर की है, उसके बाद ये चतुर्थ है और ये प्रथम है। जो भी और अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यूपी टेट का रिजल्ट कुछ ऐसा शो करेगा, कोरोना के मामले इतने हैं, ठीक है। बाकी स्मार्टफोन या जो भी बटेगा वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या डीएलएड 2021 बैच के छात्रों को मिलेगा कि नहीं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा, बाकी आपके कॉलेज से भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपको बता दें एग्जाम एडमिशन फॉर्म बहुत ही जल्द भरा जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए परीक्षा की डेट शीट आ गई है, इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। काफ़ी बच्चों के मन में सवाल था कि क्या अभी डेट शीट बदल सकती है, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, जो डेट शीट आई है वो फाइनल है, उसी के हिसाब से आपका पेपर कराया जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।